हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशनल हब। दोस्तों, एजुकेशनल हब एचके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अप्रैल फर्स्ट वीक का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल पर, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। और जो उसके क्वेश्चन रिमेन रह गए थे, मैंने आपको कहा था कि मैं उसको बचे हुए आने वाले पार्ट में कवर अप करूंगा। और जैसे कि उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये सिर्फ पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें जो क्वेश्चन रह गए थे मैं उनको इसमें कवर करूंगा। और उसके साथ साथ ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम रेलवे का होना है, उसके हिसाब से ये करंट अफेयर 1 लाइनर आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होंगे। और जैसा कि मुझे मैसेजेस आए हुए हैं और कि सर करंट अफेयर की सीरीज इंग्लिश में लेके आई है, तो मैं उनसे कहूँगा थोड़ा पेशेंट रखिए और जल्दी हम करंट अफेयर की सीरीज इंग्लिश में भी लाने वाले हैं, बस उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसे जैसे हमें नंबर ऑफ मेजोरिटी मैसेज मिलते रहेंगे, कि अभी तो करंट अफेयर की डिमांड जो थी उसका हिंदी में मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहे थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने पार्ट 2 तैयार करा और जल्दी हम इंग्लिश में सीरीज लॉन्च करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा वेट रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी तरीके का कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन हमारा है, इंटेल दक्षिण एशिया के पूर्व प्रबंध निदेशक का नाम बताइए जिसे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वह है डिज्नी घोष। दोस्तों, इसे हिंदी में डिग्नी घोष कहते हैं, और चूंकि मैंने इसलिए इंग्लिश में लिख दिया है जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की हवाई अड्डा प्राधिकरण के 23वें वार्षिक समारोह के दौरान कौन सा हवाई अड्डा सबसे अच्छा सम्मानित किया गया है? तो वह है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और हवाई अड्डे की बात हो रही है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी रिसेंट में कौन सा एयरलाइंस को कौन सी एयरलाइंस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन के लिए भारत सरकार से सैंक्शन मिल चुका है और वह प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, उसका प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, तो वह कौन सी कंपनी है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 7वें मास्को सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश में है? तो वह है रूस में, रूस की राजधानी जो कैपिटल है उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, किस राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली लड़कियों को विवाह सहायता प्रदान करने के लिए रूपश्री योजना की शुरुआत की है? तो वह है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी को ब्लूमबर्ग अरबपति की टॉप इंडेक्स 100 इंडेक्स पर रखा गया है, तो वे कौन से स्थान पर हैं? तो वह है 19वें स्थान पर। उत्कल दिवस हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया या मनाया गया? वह है उड़ीसा। दोस्तों, उत्कल दिवस उड़ीसा में एक ट्रेडिशनली कन्वेंशनल फेस्टिवल होता है जो कि फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट मैप स्टार्ट पब्लिक द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में वैश्विक स्टार्टअप इकोनॉमिक्स में 125 देश में भारत का कौन से स्थान पर रहा? तो वह है 37वें स्थान पर। राष्ट्रमंडल खेलों का 21वां संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम पे मैं ऑलरेडी एक पार्ट बना चुका हूँ और इसका सेकंड पार्ट जल्द ही लेके आऊंगा, जैसे ही ये गेम फिनिश होंगे तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जिससे आपको इसकी नॉलेज मिल सके कि एक्चुअली ये गेम होते क्या हैं और कहाँ पर इस समय कंडक्ट कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद प्रशांत क्षेत्र के 3 प्रमुख देशों के बीच हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई वार्ता में कौन कौन से देश शामिल थे? तो वह है भारत, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, किस शहर से भारत और बांग्लादेश के बीच पहली कंटेनर ट्रेन का ट्रायल चलाया गया? तो वह है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भुगतान बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में भुगतान बैंक के रूप में परिचालन के लिए RBI से अनुमोदन प्राप्त किया? तो वह है जियो पेमेंट्स बैंक। दोस्तों, पेमेंट बैंक और बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस या क्राइटेरिया, उन पे हम जल्द ही वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें आप बैंकिंग टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और बेसिक बैंकिंग टर्म्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है, तो इन सब पे हम एक जल्द ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम 2018 में प्रतियोगिताओं के पहले दिन पी गुरुराज ने रजत पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? तो वह है वेट लिफ्टिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गैर अलगाववादी आंदोलन की मध्य अवधि की मंत्री स्तरीय बैठक बाकू में भाग लेने के लिए किस देश की 3 दिवसीय यात्रा शुरू कर दी है? तो वह है अजरबैजान। दोस्तों अजरबैजान की कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, वेट लिफ्टिंग और वर्तमान विश्व चैंपियन का नाम बताइए जिन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो वह है मीराबाई चानू। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2018 कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सहायता से टर्की ने हाल ही में मेरसिन प्रांत में अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शुरू किया है? तो वह है रशिया। जैसा कि अभी बीच में 6 साल 6 महीने पहले रशिया और टर्की में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, बट व्लादिमीर पुतिन ने वहाँ की जो विजिट की थी वहाँ के दौरे जाके तो सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लिया और ये दोनों देशों में कोलैबोरेशन हो चुका है और ये हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में हुई वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान असम स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री को सर्वसम्मति से भारत के बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो वह कौन है? वह हिमांता विश्वास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बिया गणराज्य राजनीति के अगले राजदूत के रूप में ISF अधिकारी को नियुक्त किया गया है। तो वह कौन है? वह सुब्रत भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी ई कॉमर्स के दिग्गज किस कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर यात्रा सेवा की पेशकश करने के लिए रणनीति साझेदारी की? तो वह है फ्लिपकार्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो वह है संजीव नौटियाल। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी 100 अरबपति सूचकांक में से 47.2 मिलियन डॉलर के मालिक वाले किस व्यक्ति को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? तो वह है जैक मा। और ये नीचे जो दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपके लिए होमवर्क हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है अमेजॉन इंडिया के मालिक कौन है और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि IPL शुरू हो चुका है और पूरी कंट्री को टाइम पास के लिए लगभग 2 महीने मिल चुके हैं और एक तरीके का इंडिया का त्यौहार कहा जाता है और क्रिकेट की काफ़ी दीवानगी चढ़ी हुई है सब पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन मैंने आपको इसके लिए लाया हूँ। और आप बताएंगे कि 11वां जो इवेंट चल इसका एडिशन चल रहा है तो इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? तो वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो लाइक करिए और अपना फीडबैक जरूर हमें देते रहें। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है जिससे हमें पता चलना चाहिए कि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसमें क्या क्या रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है और आगे आने वाले समय में हमें और कौन से सी प्लान्स लाने चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैं रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू सो मच।